नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस को पहले ऐसा लगता था कि मैं दो यूट्यूबर और बाकी टीवी एक्ट्रेस या जो इधर उधर से उठा लूँगा तो शो चल जाएगा। सेम ऐसे OTT सीज़न 2 में करा, जो कि केवल एल्विस की वजह से चला, ये उनको ही मालूम है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि फिर से मैं दो यूट्यूबरों को बुलाऊँगा ना, या फिर दो चार इधर उधर से उठा लूँगा, फिर बाकी टीवी एक्ट्रेस एक्टर को उठा लूँगा तो चलेगा शो। उनकी सोच गलत निकली, वही चीज़ करा लेकिन गलत निकले। टीवी शो को उठाने के लिए इन्होंने दोबारा से एल्विस को बुलाया, उठा उस दिन शो लेकिन फिर गिर गया, फिर दोबारा बुलाया, फिर उठा उसी दिन केवल, फिर गिर गया। मतलब दो बार तक बुलाया, दोनों बार उसी दिन उठा, फिर गिर गया। तो उनको ऐसा लगा कि अब ऐसे तो मैं बार बार बुला नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर एल्विस के दोस्त को लेकर ऐसी खबरें चलाई गई कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है इसकी, ताकि शो उठ जाए। फिर भी नहीं उठा, केवल उसी दिन तक हाइप रहा, केवल उसके दोस्त को लेकर, एल्विस के दोस्त को लेकर, कटारिया जिन क्या नाम है उसका, उसको लेकर फिर दोबारा गिर गया शो। फिर ऐसा लगा इनको कि आप क्या करें, आप समझ नहीं आ रहा है, शो बार बार गिरते ही जा रहा है, जब भी हम उसका नाम ले रखे वाले उसी दिन उठ रहा है, फिर बार बार गिर जा रहा है। फिर अब आयशा खान नाम की एक लड़की निकली है सोशल मीडिया पर, जो कह रही है कि मुनव्वर फारूकी ने पहले मुझे आई लव यू बोला था, किसी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, पहले बोलता है कि मैं आई लव यू, मतलब तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए, फिर बिग बॉस में जाकर कहता कि आई एम कमिटेड, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, तो अगर मुझे बिग बॉस में बुलाया जाता है तो मैं उससे मुँह तोड़ जवाब लूँगा और उससे माफ़ी मंगवाऊँगी, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने पहले क्या नाम उसका किसी के द्वारा इंटरव्यू में जो लिया गया था उनसे बोला। फिर ये बात अब पकड़ लिया बिग बॉस ने, तो बिग बॉस को लगा कि हाँ ये तो भैया बड़ा ख़तरनाक वाला मसाला मिला मेरे को, इसको बुलाते तब तो बिग बॉस उठे गई। तो सेम वही चीज़ करा, बिग बॉस ने उसको बुलाया और उसकी एंट्री भी हो चुकी है। तो अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो आयशा खान है वो फेक इल्ज़ाम लगा रही है मुनव्वर फारूकी पे। उसका एक बॉयफ्रेंड नाम का शख्स निकला है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका बॉयफ्रेंड है, जो वीडियो बना रहा शख्स वो कह रहा है कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ, और बाकी क्या क्या बात बोल रहा है आप खुद देखिए। बस मतलब इसका ये कहना है कि मैं आयशा खान का बॉयफ्रेंड हूँ और उसने बोला है कि उसको केवल फेम चाहिए और कुछ नहीं। मतलब आयशा खान केवल अपने फेम के लिए आ रही, जो इनके साथ हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था वो ये है, और इसमें आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं इन्होंने लिखा है, क्या मुनव्वर फारूकी को बदनाम कर रही हो? उसका रिप्लाई आता है आयशा का, अरे मुझे बस थोड़ी फेम चाहिए यार, बस एक बार बिग बॉस 17 में एंट्री हो जाए तो सब ये मुद्दा भूल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका रिप्लाई आता है, लेकिन तुम एक इनोसेंट को फंसा रही हो, उसका क्या? फिर अरे थोड़ा बहुत चलता है यार, बट आई स्टिल लव यू। फिर इसका रिप्लाई आता है, बट आई डोंट लव फेक बिच लाइक यू। ठीक है, अब मतलब इस चैट से मालूम ये चलता है कि जो ये बंदा बातें बोल रहा है, इसका मतलब सबूत के साथ बिल्कुल सही बातें बोल रहा है। लेकिन अभी जब प्रोमो निकल के सामने आया है मुनव्वर फारूकी को लेकर, ये मैं आपको खुद भी सुना देता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मतलब पूरा तो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं अभी, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये बातें आयशा यानी के इंटरव्यू में बोल रही थी वो बातें सत्य है, क्योंकि ये बात मुनव्वर फारूकी के मुंह पे बोली जाते ही। बाकी मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा, बिग बॉस चालू है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप देखो जो जो भी लड़ाई होंगी या जो जो भी चीज़ें होंगी, मिर्च मसाला जो भी होगा, वो निकल के अपने आप लोग शेयर करते रहेंगे, अपने आप लोग वायरल करते रहेंगे, वो जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। मैं फिर से कहूँगा कि TRP उठाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और TRP उठेगी भी, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल मत देखिए, जो भी न्यूज़ है जो भी जानकारी है ये आप तक मैं आपको पहुंचाते ही रहूँगा। बस इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, चैनल के साथ जुड़ के रहना है, जो भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड, आगे क्या होने वाला है, आयशा झूठी है या फिर मुनव्वर फारूकी झूठा है या जो भी है, सारी सच्चाई आपके सामने आएगी। बाकी फिर से ये कहूँगा
कि इनोसेंट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है बिग बॉस में मनोवर फारूक को। मनोवर फारूक खुद अपने पास्ट को उठा करके लाता है, बोलता रहता है, और इस चीज़ को लेकर सलमान ने भी हड़काया था इसको। सलमान ने सबके सामने हड़काया था कि ये जो आप पास्ट बार बार उठा करके लाते हो सिंपथी गेन करने के लिए, ये चीज़ें कहीं तक भी सही नहीं है। तो इसको हड़काया भी जाता है क्योंकि मुनव्वर फारूकी जानता है कि मैं सब जगह कैमरे से घिरा हुआ हूँ, कुछ भी कहूँगा मेरी चाल ढाल, मेरा शकल रिएक्शन, हर एक चीज़ ऑडियंस तक पहुँच रही है, सब कुछ अच्छे से जानता है। बाकी जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। ध्यान रखना चैनल के साथ जुड़ करें, केवल एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।